15 देखिए, एक गांव की जनसंख्या 2000 है एवं प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो इस गांव में 20 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर गहराई मापों वाली एक टंकी बनाई हुई है। इस टंकी का पानी वह कितने दिन के लिए पर्याप्त है? तो देखो कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो 2000 में हम लोग 150 से गुणा कर देंगे तो पता चलेगा टोटल पानी कितनी जरूरत है पूरे गांव में, और इसका आयतन निकाल लेंगे और भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना दिन पानी चलेगा। तो लिखेंगे यहां पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति की जल की आवश्यकता, आवश्यकता कितनी है, तो 150 लीटर है, तो इसको मीटर में बदलने की 150 में भाग कर देंगे 1000 से, मीटर में बदलने के लिए 1010 कटा, 5 से कटा 3 बार में और यहां 20 बार में, 3/20 मीटर क्यूब एक व्यक्ति को जल की आवश्यकता है। तो लिखेंगे गांव में जल की आवश्यकता, गांव में प्रत्येक दिन जल की आवश्यकता, गांव में प्रत्येक दिन जल की आवश्यकता, प्रत्येक दिन जल की आवश्यकता कितनी होगी ये निकाल देते हैं। तो 2000 लोग हैं और एक आदमी को चाहिए 3/20 मीटर क्यूब, तो यहां 20 से काट देते हैं, यह कितना बार में कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा ना, यानी कि 600 मीटर क्यूब डेली पानी चाहिए गांव को। तो लिखेंगे टंकी में का पानी कितने दिन जाएगा ये बताना ना, टंकी का पानी पहले टंकी का आयतन निकाल लेते हैं, टंकी का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई 15 और ऊंचाई 6, 20 × 15 × 6 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा 1800, एक मिनट, 15 × 30 15 6 20 15 6 यही ना है जी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 × 30 3 × 6 = 18 180 जाएगा, इतना मीटर क्यूब टंकी का आयतन हो जाएगा, यानी कि जल इसमें इतना है। ठीक है, अच्छा तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। भैया ये 300 होगा, मैंने गलती से 600 लिख दिया, 100 या 300 ना होगा, तो लिखेंगे टंकी का पानी गांव के व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए कितना हो जाएगा, तो 1800 × 300। देखो एक दिन की खपत पूरे गांव की 300 मीटर क्यूब है और टोटल आपका 1800 मीटर क्यूब टंकी में है पानी, एक बार भर आ रहा है, तो इसमें भाग कर देंगे यानी कि 6 दिनों के लिए प्रयुक्त है, समझ गया ना, 6 दिन चलेगा, 6 दिनों के लिए उपयुक्त है, लिखना उपयुक्त है। ठीक है, या पर्याप्त है ये भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग